लाइव राजी के नाम से। हाँ जी, और कल हम इनसे मिले थे और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारी चीज़ें बताई गाड़ी के बारे में, और फिर इन्हीं के रेफरेंस से हम यहाँ पर आ गए। कहीं तो चमुंडा भाई तो आज बिजी थे, इन्होंने तो मना कर दिया था, तो कोशिश की कि भाई आप भी आओ ना। भाई ये दो भाई भी हैं, ये दिल्ली के, इनकी भी गाड़ी आने वाली है। आपकी कौन सी आ रही है जी? Z4 आपके साथ साथ चल रहे हैं, हमारी पास पेट्रोल है ऑटोमेटिक। दिल्ली में पेट्रोल चलने चाहिए। Exactly. You are right, you are right. 10 years का गैप जो बहुत है अभी, इसीलिए XUV 500 थी, फोन करते थे, बट डीजल की वजह से वो बेचनी पड़ी। तो आप नहीं, आपकी 4x4 है? नहीं नहीं, माइन इज नॉर्मल ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, वेरी गुड भैया। ऑटोमेटिक में और इसमें पावर इक्वल है, ध्यान रखना। लेकिन जैसे आप लेते हो मैनुअल, पावर कम हो जाती है। आपकी गाड़ी में क्या भरा पड़ा है? क्या भरा पड़ा है दिखा दे, इसमें पड़े हुए हैं ये देखा भाई, ये होते पैसे वाले आदमी। पैसे वाले क्या, आपने भी तो करा है। 18 इंच के अलॉयज, 18 इंच के अलॉय लिए भाई ने कहाँ से? ये शोरूम से, डीलरशिप से। कितने पैसे दिए? 68,000 रुपीज में बेच रहा महिंद्रा भाई, ध्यान रखना। नहीं वो नहीं देंगे इतने में। नहीं देंगे? अप्रोच लगवाई थी क्या? वही समझ लो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि डिमांड इतनी है उनके पास। ओके, वो कह रहे मेरे 72 के वैसे जा रहे हैं, 2000 रुपए वो लेते हैं फिटिंग चार्जेस, मैं आपको क्यों दूं सस्ते में। ओके, तो फिटिंग बाहर से कराओगे? फिटिंग क्योंकि मेरे टायर बाहर से कराने हैं ना। टायर बदलवा? ओहो भाई, बदलवाने पड़ेंगे तो। और क्या, देख लो भाई ये आते हैं टायर। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये टायर दे दोगे? टायर ये चले जाएंगे और इसमें लगेंगे 80 टायर्स, 260 ऑल टेरेन। ऑल टेरेन, क्या बात है भाई। तो ये कितने के टायर जाएंगे वापस, कोई आइडिया? ये करीबन 8500 रुपीज का पर टायर चला जाएगा। अच्छा, 8500 रुपए का, 8500 का एक गया, 34,000 भी आपके आ गए। एवरेज प्राइस है, और ऐसे भी लोग हैं मार्केट के अंदर जो कहेंगे हम आपका रिम भी रख लेंगे और व्हील कवर भी रख लेंगे, टायर भी रख लेंगे, 10,000 दे देंगे फिर टायर की कॉस्ट। तो देखते हैं अभी जाते हैं। जी जी जी, फोग लैंप्स, ऑटो फोल्ड और थोड़ी बहुत चीजें जो भैया रिकमेंड करें। ऑटो फोल्ड मतलब ऑटो फोल्ड, ओआरवीएम? ओआरवीएम, क्या बात कर दी। और हम आपकी हर वीडियो देखते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, आपने पहचाना था, बताया इन्होंने। मैंने पहले पहचान लिया, बट मैंने कहा पता नहीं सच बोल रही हूं नहीं बोल रही, फिर मैंने इनको बोला नहीं, फिर बाद में देखा तो आप ही थे। मैं टॉप गियर के मैट्स लगवा लिए हैं। कितने के लिए सर? ये है करीबन 10 के करीब, 10,000 रुपए। ये सबसे टॉप क्वालिटी, सुपर कोई क्वालिटी। तो भाई आपने तो इस पे 2,00,000 रुपए खर्चे ना। मुझे देखो, मेरे को ना, मैं यूटिलिटी की चीजें करा रहा हूँ, मैट मेरे को, देखो मैट तो चाहिए चाहिए, ये बेस्ट क्वालिटी है, इससे ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है। फिर भी यार, अच्छा और क्या करा है? दो भाई तक तो सब कुछ लगाया। ओके ओके, अभी तक सिर्फ मैट, ये देख गाड़ी से निकलते ही मैट लगवाए और यहाँ पे। तो गाड़ी कल ली आपने? कल ली है, कल शाम में डिलीवर हुई है। मेरा तो प्लान था कि कल ही मैं इसे लेकर आऊँ, लेकिन लेट हो गए निकलते। सर एक बता दो, मेरे YouTube चैनल पे प्राइस बिल्कुल बिल्कुल प्राइस बताए बिना आप जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, कितने की पड़ी आपको गाड़ी? ये गाड़ी मुझे पड़ी अलॉय व्हील्स के साथ 19,00,000। अलॉय हटा दो। एक्सटेंडेड वारंटी ली है? एक्सटेंडेड वारंटी मैं लूंगा विद इन 2 ईयर्स, जब भी मेरा। ये क्या कर रहे हो भाई? अच्छा अच्छा, किससे कॉस्ट? 1850 1875 की गाड़ी। 1875 में आपको 4x4 पड़ गई है। सिर्फ ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और मेरे को मैनुअल ही लेंगे। मैनुअल सर, 4x4 तो मैनुअल का ही मजा है भाई। ये इन्होंने खोलना शुरू कर दिया है, तो भाई बता रहा है कि मैं ये लगा रहा हूँ फॉग लैंप, तो ORVM भी दिखाएंगे आपको ऑटो फोल्ड होते हुए। मैं ये काम नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पैसा भी नहीं इतना, और इतना जिगरा भी नहीं है। नहीं नहीं, कौशिक जी की तो पूरी गाड़ी खड़ी हुई। और भाई मैं अपनी गाड़ी भाई दिखा नहीं रहा, कैमरे का मुंह इधर नहीं कर रहा, वरना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे भाई। ये जो करा रहे हैं ना, तो इनको Z8 ली लेनी चाहिए थी। देखिए, मैंने आपकी पहली बार नीचे लिया है कि हम भी कूदे इस मैदान में मॉडिफिकेशन की। हाँ जी, हाँ जी। कि लोगों को मालूम पड़े यार कि सस्ता कितना पड़ता। हाँ जी, कराना भी चाहिए, नहीं कराना पड़े। ये इसको चेंज नहीं कराऊंगा, इसको तो ब्लैक पाउडर कोट कराऊंगा। करा लो, नहीं होगा, करा लो, करा लो। हाँ, वो देखते हैं उसका। मैं करवा रहा हूँ। आप तो करा रहे हैं, आपका तो अलग ही हिसाब है। तो मैंने भाई को बोल दिया मेरी गाड़ी डैशकम लगा दे भैया, क्योंकि यार प्रॉपर वायरिंग कर देते हैं, मुझसे इतनी प्रॉपर वायरिंग नहीं होती है। तो भाई लगा रहा है, अच्छा रहेगा। आप दिल्ली जय शहर में आते हो तो आपके पास ये डैश कैम वगैरह होने चाहिए भाई साहब, कैमरे। अब यहाँ पे आके मालिक की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती है। मालिक का यहाँ आसपास होना खतरे से खाली नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए, किसी वक्त भी हार्ट अटैक पड़ सकता है, इसलिए मैंने उनको वहाँ भेज दिया। ये भाई गाड़ी में इन्होंने मेरे को बदल दिया है, ये लगा दिया है ब्लैक कलर का। अभी दिखाऊंगा बाकी तो आपको मैं, पर फिलहाल ये इसको अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं भाई। अभी मालूम नहीं है कितने का बिल कटेगा। ये भाई गाड़ी आई थी तो देखो इसमें फॉग लैंप लग गए हैं सर, फॉग लैंप लगाए हैं भाई ने। अभी इसमें बाकी ये हेडलैम्प और लो बीम हाई बीम चेंज नहीं किया है, लेकिन फॉग लग गए हैं। और ये भाई ने चेंज किया है इसके अंदर, ये देखिए लगा लिया फोल्डेबल ORVM, ये लग रहा है ये बहुत जल्दी इसको चालू करने वाले हैं। और ये जब इसको ऑफ करेंगे ना की से,
की से ऑफ करने पर भी आपका ओआरवीएम फोल्ड हो जाएगा। भाई ये भाई ने लगा दिया है, देखिए शीशा शीशा नीचे कर भाई, पहले चाबी हाँ शीशा नीचे कर भाई। देखिए भाई ये भाई ने करा दिया है, अब करके देखिए कुछ किस्म कलाकारी। ये देखिए भाई ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गए हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो गए हैं, सॉरी हो गया। और दूसरी दूसरी कलाकारी भी, एक कलाकारी और देखिए भाई, ये अनलॉक होते चीजें खुल गए। हाँ सिंगल प्रेस पे हमारे गाड़ी अनलॉक हो गया, डबल प्रेस करेंगे तो मिरर अनफोल्ड होगा, फोल्ड। अच्छा फोल्ड हो गया। अब हमें गाड़ी खोलना, तो गाड़ी हमने खोल दिया, गाड़ी खुल चुका है, पर मिरर खोलना तो डबल प्रेस करना पड़ेगा। ओके किया भाई, ये भाई लगाया, देखिए फोल्ड, ये देखिए मैंने पुश किया वो खुल गया, और ये वो कहते हैं ना कि जादू की छड़ी अपने हाथों में होना चाहिए। ये देखिए ये किया मैंने ऐसे, ये खुल गए, और ये भाई यही चाहिए था भाई, यही चाहिए था भाई। और मैं गाड़ी कर देता हूँ बंद, ये हमारे सन्नी भाई गाड़ी है, बहुत बढ़िया लगा भाई। ये मैंने फिलहाल अपनी गाड़ी में नहीं कराया, इसमें ये हो गया है, अगली बार मैं करके दूंगा भाई। अगली गाड़ी मेरा ये, मुझे भाई ये आने वाला बहुत जल्दी, कीलेस एंट्री, और भाई पुश बटन भी स्टार्ट करवा दो, कीलेस एंट्री आने, ये करवा दो ना, पहला मेरी गाड़ी में होना चाहिए कैमरा, और ये आपका प्रॉमिस है कैमरे पे, कोई बात नहीं कर देंगे आपकी गाड़ी, है ना जी। भैया हमने अपनी गाड़ी में जो लगाया है ये देखिए, सारे ओरिजिनल पार्ट्स हैं, ये कोई पेंटेड नहीं है, हम ओरिजिनल लगाएंगे इसके अंदर, ये भी शायद हमारी गाड़ी में लगाएंगे, सब ओरिजिनल आएंगे, पेंट नहीं कराया मैंने, जो पेंट का पार्ट होगा मैं दिखा दूँगा आपको। अभी भाई घड़ी में टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी भी मैं यही हूँ, 7 बजे के आसपास का है, गाड़ी में काम चल रहा है धनाधन, और वो भाई और भी आए थे तो उनके भी बिलिंग चल रही है। तो ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी Z4 का वेट कर रहे हैं, आज आ गए थे मिलने के लिए, तो मुलाकात होगी है, Z4 आ रही है भाई की भी अपनी, बस बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। भाई को देख के मैंने फाइनल कर दी, यस पेट्रोल की ले रही है, और भाई जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, यूट्यूब की फैमिली हमारी डे बाई डे बढ़े जा रही है, आज यहाँ भी 3-4 लोग, जबकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई। सन्नी तो अपना भाई आई है, ये तो गुड़गांव से आ गया, जिनकी कल गाड़ी मिली है, तो इनका भी बिल बन रहा है, ORVM लगवाया इन्होंने, वो भी मैंने डाल ही दिया है। तो अभी और भी काफ़ी चेंजेस मेरी गाड़ी में हो चुके हैं भाई। गाड़ी में हम स्पीकर वगैरह म्यूज़िक पे कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आपको म्यूज़िक चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहूँ तो 2-3 लाख रुपए भी और खर्च कर सकता हूँ, पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई कि मैं रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर अपनी गाड़ी को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। पैसे खर्च करें तो कोई भी कर लेगा, सही बात है। तो कम प्राइसेस पे हम अपनी गाड़ी को कैसे मजे ले सकते हैं टॉप एंड मॉडल के, वो दिखाएंगे हम आपको मिलकर। गाड़ी में लग गए हैं, देखिए आप, ये हमारे दोस्त की गाड़ी में लग गए हैं, ये बल्ब अभी चेंज नहीं हुए, लेकिन जिस जो था ये हमारे फॉग लैंप लग चुके हैं। कि भाई हमने अपना स्टीयरिंग रैप कराया, ये देख लीजिए बिल्कुल फाइन क्वालिटी कराया भाई, स्टीयरिंग हमने निकाल दिया था इसका, ये हमने मशीन पे जाके करवाया है, कार में बैठ के नहीं कराया है, स्टीयरिंग व्हील गया था ये, और अभी आया है, आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ये, पता नहीं GoPro में आपको नज़र नहीं आ रहा, ये ब्लैक कलर के स्टिचेज है, मैं बता दूंगा कितनी कॉस्ट मैंने दी है, लेकिन ये मेरे सारे देखो निकाल लिए इन्होंने, अब इसको भी हम कुछ चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी है, तो साउंड क्वालिटी पे ज़्यादा मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं थोड़ा ढिकचिक म्यूज़िक टाइप में सुनने वाला आदमी नहीं हूँ, जो मुझे सुनने को चाहिए वो इस गाड़ी में प्रॉपर मिल जाता है, लेकिन मैं इस गाड़ी में करा रहा हूँ जो टॉप एंड मॉडल बनाने के लिए चीज़ चाहिए होती है, उसमें बहुत चीज़ें मॉडिफिकेशन हुई है। अभी भी रात के 7 बज चुके हैं, 7:30, नया साल है, लेकिन मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, अब फिलहाल मेरी ही गाड़ी बची है भाई होने के लिए, कुछ पार्ट्स रह गए थे लेने के लिए वो गए हुए, लेकिन देना हो कि नया साल यहीं मने भैया, बहुत देर हो गया करते हुए। अलाइनमेंट तो आउट नहीं हुई मेरी इससे, ये भाई बोलता कम है काम ज़्यादा करता है, ये हमारी तो ज़्यादा बकबक नहीं करता है, इसकी कॉन्सल्टेशन सिर्फ काम पर रहती है, सारा इलेक्ट्रिशियन काम यही करता है भाई। भाई तुम्हारा नाम क्या है, शुभ नाम? रोशन है भाई ये, और ये सारा इसने जुगाड़ किया है मेरी गाड़ी में, ये इन्होंने स्टीयरिंग को खोल के किया है, ये ले गए थे स्टीयरिंग खोल के, वो नहीं किया उन्होंने कि यहीं बैठ के सिलाई कर रहे हैं, आई थिंक वो भी सही होता था, पर मुझे ये पसंद आता है कि इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उतार के किया जाए, एक्सपोज्ड है गाड़ी इस वक्त, इन्होंने मेरी गाड़ी का लगा दिया है, करना भाई ऑन, नीचे फॉग लैंप है, और ये है भाई लाइट देख लो आप भाई, अलाइनमेंट चेक करना है इनकी, ओ हो भाई दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिवाली बन गई आज तो। आज भैया नया साल ऐसे मनाएंगे हम, दिख लगे देख लीजिए आप, अभी अलाइनमेंट चेक कराऊंगा इनका मैं कि भाई मेरा अलाइनमेंट तो सही है ना, होगी एक लाइट इधर भाग रही है, लाइट उधर भाग रही है, ऐसा हो जाता है कई बार। ये इसके अंदर भाई ये होता है हाई बीम और ये होता है लो बीम, ये हाई है ये लो है,
और ये यहाँ पे इन्होंने थोड़े इसके डीएल टाइप में दिया हुआ है यहाँ पे, ये इंडिकेटर है, ये येलो ही जलेगा, पर ये भी वाइट है, ये भी चेंज किया था बल्ब साहब, नीचे भी वाइट, सारा वाइट हो गया, लेकिन जो इंडिकेटर है जो वहाँ चलेगा ORVM पे, तो वो भी येल्लो कलर का है। ये भाई हमने कुछ गाड़ी में कुछ काम कराया था, नीचे लगा रहे हैं इसके हम, जिसको आप कहते हैं डिफ्यूजर भी बोल देते हैं, अंडर स्किड प्लेट होते हैं भाई, ये भाई ने बता दिया, अलग तरह के 10 तो नाम आ जाएंगे यार, पर ये अंडर स्किड है, अभी लगाएंगे भाई साहब हमारे। अब वापस से सोनू जी आ गए हैं, सुबह से ही हमारे काम में बिजी थे, ये देखिए भाई साहब, वाह मज़ा आ गया। बताऊँगा भाई कि मैंने ये ओरिजिनल है, ये पेंटेड है, ये अजय देवगन आ गया भाई, तो ये लगा पड़ा मेरी गाड़ी में। अब आप बताना, अरे सर उल्टा करो, मालूम पड़ रहा है पुराना, ये देखिए, अब आपको मालूम नहीं पड़ेगा भाई ये नया है कि पुराना है, बट ये सही बताऊँ, भाइयों ने पेंट कराया अभी स्पेशल मेरे कहने पे, तो ये पेंट की कुछ लगा देंगे, चीज़ भी कम आ गई और खर्चा भी कम हुआ, अलग ही चीज़ निकल के आती है। यस यस यस, अरे मैं ढूंढ रहा भाई, कोई मुझे 5,500 मांग रहे हैं मेरे से महिंद्रा वाले, अलग चीज़ पत्ती है ना, इसी के ऊपर सेम चीज़ पत्ती है। जी जी जी, इसको लगाने का बिल्कुल, ये कल मैंने दिखाए थे काले थे, काले थे ये भाई, वही है जो मैंने सर्विस में दिखाए थे काले हैं, अब ये सिल्वर हो गए, गाड़ी टॉप एंड मॉडल से मैच करेंगे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं इस गाड़ी को टॉप एंड बना के दिखाऊँ आपको। ये भाई लगा दिया उन्होंने मेरा, अभी दिखाएंगे क्या कम्फर्ट है भाई। ये भी हमने चेंज कर दिए हैं, ये भी सिल्वर कर दिए हमने, पहले ये थे भाई ऐसे, ये थे ब्लैक कलर के। भाई ये देखो, पियानो फिनिश ना, ये भी हम अभी चेंज कर रहे हैं, पूरा टॉप एंड मॉडल वाला आया है, देखिए वैसे चेंज हो गया पूरा। सर क्या किया आपने इसमें जुगाड़? सर ये हाइड्रो डिपिंग सिल्वर पार्ट, हाइड्रो डिपिंग होती है इसमें, ये पूरा पार्ट सिल्वर हो गया, हाइड्रो डिपिंग हो गया, ठीक है, ये चेंज वाला पार्ट है, और ये जो है हाइड्रो डिपिंग हो गया, जिस भाई को मतलब चेंज पार्ट कराना है वो चेंज पार्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये पूरा पार्ट खोल के जेनुइन पार्ट लग जाएगा। अच्छा, और आपके पीस को भी एनोडाइज कराना, वो हाइड्रो डिपिंग कराना, वो भी हो जाएगा। आपने मेरे में क्या किया? ये आपका चेंज पार्ट करा है, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, वेरी गुड जी, और ये हाइड्रो डिप, हाइड्रो डिपिंग करते जो पीछे किया आपने, पीछे किया जो, हाँ वो जो पीछे, उसको क्या बोलते हैं, स्किड, स्किड प्लेट भी आपने, मेरी ब्लैक थी तो आपने उसको हाइड्रो डिपिंग करा के वैसे कर दिया, और ये लगा दिया आपने भाई साहब पियानो ब्लैक, पियानो फिनिश, और ये बटन वाला आ गया इसमें, जो मैं ORVM फोल्डिंग करवाऊँ तो बाद में यही काम आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड भाई, वो देख लो, ये भी उन्होंने कर दिया भाई को, बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है, सॉफ्ट लेदर लगा दिया, देखो पहले जो होता था बिल्कुल हार्ड होता था, इस तरह से पूरा हार्ड होता था, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ये रह गया भाई जी, ये पियानो ना मेरा भी, ये भी पियानो करा देंगे जल्दी आपका, नहीं आया हुआ है, आया हुआ है अभी, आया हुआ है, हाँ ये तो फिर मजा क्या आया, आया हुआ, ये रहा भाई, ये रहा, दिल तोड़ दिया आपने मेरा, सोनू भाई बाजी भाई चला गया था रूम में, ये भाई ये मजा क्या आएगा, देखो भाई निकाल दिया भाई ने ओरिजिनल पीस, बिल्कुल भाई मेरी सफारी में था ये, और अभी इस गाड़ी में लग जाएगा भाई, लगा लगे ना मेरी गाड़ी में, आज आप टॉप मॉडल लेके जाऊंगा, आज टॉप एंड मॉडल भाई भाई, लेकिन दो तीन चीज रह गए, वो भी मेरे जल्दी करा, वो भी जल्दी जाएंगे। ये लग गई हमारी, आप देख लीजिए, ये मैं ढूंढ रहा था बड़े दिनों से, भाई ने लगा दिया है, अब ये पूरी लाइनिंग में बड़ी मेहनत लगी है इनकी, ये इन्होंने मेरा ही पार्ट लिया है, और मेरे ही पार्ट के ऊपर इन्होंने इसको क्रोम डिप बोल रहे हैं क्या, हाइड्रो डिप बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम कर दिया भाई, पैसा कम लगा है लेकिन मज़ा पूरा आएगा। अभी मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ भाई गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, ये मेरी गाड़ी में हुआ भाई, ये देख लो, ये लग गए मेरे फॉग लैंप जो हम बड़े घूम रहे थे, और वो भाई मेरी गाड़ी में ही लाइट लग गई है, ये भी लगी है, ये हाई बीम भी लगी है, लो बीम भी लगी है, और ये भी भाई लग गई है, जला के मैं दिखा दूंगा आपको, और ऐसे यहाँ काम हुआ, एक ये काम हुआ, और ये लाइट चेंज हुई मेरी, और आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये देखिए आप, ये भाई ने ब्लैक कर दिया, पहले सिल्वर की थी अपने आप कर दिया, और ये जो रूफ रेल है इन भाइयों ने टॉप एंड मॉडल की कर दी है, ये देखिए, और रूफ रेल के साथ साथ इन्होंने क्या किया, ये हैंडल वैसे ही है, ये देखिए भाई पूरा इन्होंने पियानो फिनिश कर दिया है, पूरा चेंज हो गया भाई, ये भी चेंज हो गया, ये हाइड्रो डिप हुआ है, कुछ लगा है? हाँ सही हो गया, ये आ गया भाई जिसने सारा कर्म कांड किया है, आपको लग रहा था कि पीछे क्यों खोल दिया इतना? हाँ मैं पता नहीं क्या था, हम जाने क्या लगाएगा, बट अब लगा कुछ, हाँ अब लगा भाई, मेरे को लगा था पता नहीं क्यों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई चामुंडा भाई ने अपने इनिशिएटिव से किया है, पता नहीं क्या मोहब्बत है इनकी इनकी हमसे, कुछ अब लगा, हाँ अब लग रहा भाई, बिल्कुल ऐसे लग रहा था खाली खाली, हाँ हाँ, ये चामुंडा भाई अपनी नया साल है अपनी पार्टी करके आ गए हैं, और हमें इन्होंने सुबह से खड़ा किया हुआ है। सर आपने कभी भी कोई भी वीडियो में अगर पहले देखे हो तो पेंट वाले देखे होंगे, ये पेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट वाटर, रिप्लेसमेंट ना, हाँ ये लगा दिया, ये भाई ने पियानो फिनिश लगा दिया, हाँ।
और ये देखिए ये मेरा भाई, बात छोड़ दो यहाँ तक, ये स्विच चेक करो आप। ये बिल्कुल सही कर रहे हो, ये स्विच चेक करो, फर्स्ट टाइम इन इंडिया रहने वाला है सर। और ये लाइट के साथ देखो, बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्विच पियानो ब्लैक के साथ, वेरी गुड वेरी गुड। इधर देख सकते हो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। और भाई इधर आओ, स्विच चेंज देखो भाई ने क्या किया है। यहाँ शुरू करते ये देखिए भाई, ये स्टेरिंग मैंने आपको दिखा दिया है, लेदर रैप कर दिया। और ये देखिए भाई क्या मस्त भाई ने बना दिया है, और ये बना दिया भाई मेरा पियानो फिनिश्ड का। ये देखिए मजा आ गया गाड़ी देख के भैया। और क्या चेंज किया, और यहाँ चेंज नहीं है भाई, और क्या है ये देखिए, और ये लगाया भाई ने स्कफलेट लगा दिए हैं, क्या बोलते हैं स्कफलेट, स्कफलेट लगा दिए। और यही क्या भाई, अब जो भी बाहर और मैंने और कैमरा इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट से लगा दिया भाई, देख लीजिए मेरा कैमरा था ये, डिंग डिंग भाई लगा दिया है। बाकी गाड़ी अब देखते हैं भाई, इतना सारे का भाई जरा एक बार हेडलैम्प जलाओ मेरा यार। और भाई इनको चेक कर लेने एक बार, जो जो लाइट पड़ी है ना, ये देख लीजिए भाई क्या लग रही है गाड़ी यार, मस्त एकदम ये लगे भाई। वो फॉग लैंप भाई ने वो वाइट कर दिए हैं, वो ये फॉग लैंप। ओ ये देखिए भाई, ये हाई बीम, राइट पे हाई बीम है, लेफ्ट पे लो बीम है, सामने देख सकते हो। अभी दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, देखिए भाई गाड़ी लग रही है भाई, चेक करना है इसकी जो, ये देखिए मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो। हाँ एक मिनट मिनट, पहले लो बीम करना, ये लो बीम है भाई, ये हाई बीम हो गया भाई। और भाई ये सब बंद करके सामान से ना फॉग जला ना, फॉग सिर्फ फॉग जला दो। ये मेरे फॉग लैंप हो गए भैया, ये आप देख लीजिए, ये फॉग लैंप हो गए, बहुत बढ़िया। और ये फॉग लैम्प जो लगे ना भाई, अंदर एक स्विच है मैं दिखा दूँ, उससे ऑपरेट हो रहे हैं। वायरिंग कर दिया, लेकिन अब गाड़ी शाम को भाई उन्होंने चकाचक कर दिया गाड़ी। अब रात को आज नया साल है भाई, क्या टाइम हो गया, वो जो पीछे खड़े हैं भाई, ये यही वो आदमी है जो आपको सारे वीडियो दिखाता है इसके, और रेट नहीं बताता। आज मैंने पकड़ लिया इन दोनों भाइयों को, चवन्ना भाई ने। नहीं सर आप आते पता क्या बोले थे, हाँ कि मेरे को ये नया लगा दे, मैंने बोला कि नहीं सर मुझे लगता था ये नए आते होंगे, मैंने पता किया महिंद्रा में भी वो 5200 मांग रहे थे मेरे से यार, फिर मैंने चेक किया तो यार ब्लैक कलर के है। और भाई इसने क्या किया, जो हाइड्रो ड्रिप करके आज इनको कर दिया है सेम टॉप एंड मॉडल के लिए। अब भाई क्या रहेगा मैं गाड़ी में टॉप एंड के लिए, कैमरा आएगा, ये आपने दिखा दिया, हाँ भाई दिखा दिया। नहीं नहीं भाई ये इन्होंने खुद ही लगाया, मैं तो बिल्कुल मूड नहीं था मेरा भाई लगाने का। आप देखो भाई मेरा मूड कैसा लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा। 18 इंच के लग गए भाई, हाँ टॉप एंड मॉडल के, बस दो कमी रहेगा साइड से, तीन क्या क्या लगा दे भाई, मजा आ जाएगा, दिल खुश जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक लाइनिंग और एक ओआरजी और कैमरा भूल गए करना है भाई, करना है तो तीन चीज करके कर दे भाई, तीन चार चीजें साइड से मैंने बोला अभी बस। मस्त 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 आज यार पैसे में भी इतने ही थे, अभी देखता हूँ कितने हैं। और भाई ये भाई का चैनल भी, क्या नाम है आपका चैनल का, व्लॉगर अमन, ये व्लॉगर अमन है भाई, हम इसके घर पे बैठ के वीडियो देखते थे, पर ये फेस जरा कम दिखाता है ना, तो आज मैंने दिखा दिया है। मैं सुबह से खड़ा हूँ एक टांग के ऊपर, व्लॉग भी दे दिया, प्राइस भी मालूम पड़ जाएंगे, आप भी आइए भाई और मजे लीजिए। कौशिक सर सिर्फ आपके लिए आज काम हुआ, और ये भाई दुकान करोलबाग में नहीं है, ये करमपुरे के पास है भाई, मोती नगर, प्लीज ध्यान रखना, मैं करोलबाग पहुंच गया सुबह सुबह भाई, ये काम रह गया था मेरी गाड़ी में, ये देखो अब यही चला है, बताना इसके बारे में कैसा लगा है। मैंने करा लिया, ये कराना नहीं था पर मैंने करा लिया। घड़ी में बजे हुए हैं इस वक्त 10 बजने वाले हैं, आप देख लीजिए 9:47 हुए हैं भाई, और शीशा कर देता हूँ भाई, ये लाइट बंद कर देता हूँ भाई। और आज 31st है, मैं गाना मैंने बंद कर दिया भाई, काम हो गया मेरी गाड़ी में, ये फॉग लैंप भी लग गए हैं भाई, और ये देखिए लो है और ये हाई है, मैं फिलहाल लो कर देता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। मेरी गाड़ी में बहुत सारा काम हो गया है, और अब कल मैं दिन में इस गाड़ी में क्या क्या मैंने चेंज कराया है हर चीज़ आपको दिखा दूंगा। फिलहाल काफ़ी देर हो गई है, मैं भी थक गया हूँ, आप भी शायद नया साल मनाने के मूड में होंगे, पर आप ये वीडियो देखेंगे मंडे के दिन, और काफ़ी चेंज करा दिए, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक ट्विस्ट है बता दूंगा आपको मैं, कि आपने अपने गाड़ी में जो हेडलैम्प चेंज कराने हैं, क्योंकि मैंने फॉग लैम्प वाइट हो गई थी और हेडलैम्प भाई मेरी आ रही थी कौन सी पीले रंग की, तो वो मैंने चेंज करा दिए हैं, तो मैं बता दूंगा अभी आपको कि ट्विस्ट है उसमें थोड़ा सा, कि कितने वॉट की करानी है आपने। अब आप जानना चाहेंगे यार कौशिक भाई ने पूरा तो बता दिया, प्राइस तो बताया नहीं है,
टोटल जो मेरे खर्च हुए हैं फ्रेंड्स 70,000 रुपीज खर्च हुए हैं मेरे, 70,000 रुपए मेरे लगे हैं इसमें। 70,000 के अंदर मैंने इसके अंदर बहुत सारे काम कराए हैं, जैसे कि मैंने लगवाई है फॉग लैम्प। फॉग लैम्प 15,000 के आसपास की आती है, और जो मैंने हेड लैम्प चेंज कराए हैं चार लगे हैं, दो इधर लो बीम हाई बीम और सेम इधर। बेसिकली पहले लगाए थे 220 वॉट के, तो भाई वो गाड़ी नहीं, उसमें दिक्कत आ गई थी। तो आप भी लगवाएं तो 60 वॉट के लगाना, 60 प्लस 60 और 60 प्लस 60, हाँ यानी कि 120 के लगाने हैं अपने, वरना लाइट में इतना वोल्ट फ्यूज इतना वोल्ट वेट नहीं लेता है। चामुंडा भाई भी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में फाइनली जब गाड़ी चली मेरी स्टार्ट हो गए तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने वापस से वही लगा दिए जो सबों की गाड़ी में लगाते थे। और उसके अलावा उन्होंने चेंज किया भाई साहब पियानो फिनिश का मुझे दे दिया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा दिन में। पियानो फिनिश मेरे पूरी गाड़ी में, लेफ्ट हैंड जो शीशे ऊपर नीचे करते हैं भाई, वहाँ पर अंधेरे में दिखेगा कुछ नहीं आपको, इधर भी बीच में ये भी नज़र नहीं आएगा आपको, और वो उधर भी सारा इन्होंने पियानो फिनिश में कर दिया। ये स्टीयरिंग है मेरा लेदर रिप कर दिया, जो बल्कि मेरा ये जो जहाँ मैं ये रेस्ट करती है मेरी कोहनी, इसे बताऊँगा क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं याद आ रहा। अभी फिलहाल मैं पटेल नगर कीर्तिनगर जा रहा हूँ, मैं कीर्तिनगर से गूगल दिखा रहा हूँ मुझे जाने के लिए, और आगे धोला को आ जाएगा। तो ये भी मेरा अब सॉफ्ट हो गया है, और लेदर का ये भी हो गया। और भाई उन्होंने रूफ रेल मेरी चेंज कर दी है, टॉप एंड मॉडल वाली कर दी है, फुट स्टेप मेरे ब्लैक कर दिए हैं भाई, पीछे का जो फिनिश था वो पेंट उन्होंने पेंट करा दिया, स्किड प्लेट कहते हैं उसको, कोई स्किड प्लेट कहता है कोई भैया उसमें डिफ्यूज़र कहता है, वो भी उन्होंने मेरे कर दिए। अभी भाई मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूं, रात हो गई है, तो आप सबको नए साल की बहुत ढेरों बधाइयां, 2023 खुशियों भरा रहेगा सबके लिए, रहेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए नया साल बहुत गजब रहेगा। तो अभी क्रूज़ तो मैंने बंद कर दिया है, लेकिन भाई गाड़ी में बहुत सारी चेंज हुई है, कम से कम 13 आइटम्स को मैंने चेंज कराया है, तो बाकी तो दिन में बताऊंगा। ये लाइट देख लीजिए, ये हाई है ये लो है, बहुत गजब लाइटें हैं भाई। वैसे तो मैंने ये काम ढेर सारा करा लिया भाई साहब, आप भी करा सकते हो, पर कराना सोच समझ के। देखो अगर आप ये सोचते हो कि तारों की छेड़खानी तो होती है, कटिंग नहीं होती होगी, मान गया कटिंग नहीं होती होगी भाई, लेकिन छेड़खानी तो होती ही होती है कहीं ना कहीं। पर काम ठीक है भाई ने कर दिया, टाइम लगा के जाएं भाई, अगर टाइम नहीं है तो मत जाएं, आपकी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपके पास टाइम है तो ही जाना, टाइम लगता भाई इन चीज़ों में, बहुत ही पेशेंस वाला काम है ये। अभी आपको मेरी नज़र शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं आगे कर लेता हूँ कैमरा। तो ये फ़िलहाल भाई मैं रजोकरी पहुँचने वाला हूँ, तो टाइम तो चाहिए चाहिए भाई। देखिए कैसे निकले हैं बाइकर्स, मैंने अपना कैमरा भी लगा दिया यहाँ पे, अभी बहुत चेंजेस कराए हैं, 19.2 दिखा रही है भाई माइलेज, पता नहीं एक्चुअल में जरा 15-16 देरी होगी मेरे को, और वो चेंज कर दी भाई ने जिसकी मुझे उम्मीद थी। अब इस गाड़ी के अंदर रह गया भाई, एक तो कैमरा रह गया, और कैमरे के अलावा इस सीट कवर मैंने चेंज नहीं कराने, अभी मैंने मना कर दिया, कैमरा रह गया, और कैमरा लगेगा 5,000 रुपये का मैक्सिमम, और रह गए फोल्डेबल मिरर भी, मैं अभी जब तक टूटेंगे नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, मेरे 70,000 रुपये खर्च हुए हैं भाई सारा ये ताम झाम जो कराया। हाँ 70, और लेकिन जो अब प्राइस वाइज किस प्राइस में कितना किस चीज़ में कितना खर्चा किया वो व्लॉग दूसरा आएगा, बट फिलहाल मैं 70,000 रुपये दे के आ चुका हूँ, 70 ये और 55 वो, 125,000 रुपये और प्लस 5,000 रुपये मैंने वो लगाए, 6-7,000 रुपये उसमें लगवाए थे फुटमैट वगैरह, तो ये हो गए भाई 70 और 55, 125, 132 और 5,000 लगाए मैंने कोटिंग के, 1,40,000 रुपीस मैं इस गाड़ी पे खर्च कर चुका हूँ भाई एसेसरीज के नाम पे, तो 140 और प्लस 1840, तो 19,80,000 रुपये की गाड़ी आपको ये भाई को पड़ चुकी है अभी तक। ये मैं अपने रात को 10 बजे गुड़गांव में एंट्री कर रहा हूँ, क्या मस्त लगता है हमारा हम सबका गुड़गांव, देखिए भाई साहब क्या लाइटें बैठे जम गई है, जैसे नए साल का वेलकम कर रहा है ये गुड़गांव, देखिए जहाँ जहाँ नजर जाती है लगता है कि किसी बहुत बड़ी देश की ना कैपिटल में घूम रहे हैं। राइट हैंड में देखिए आप ये लाइट डीलर की बिल्डिंग देखिए, यही शिफ्ट वाली बिल्डिंग थी, आज से मैं 2002 में शिफ्ट हुआ था भाई साहब, जो लेफ्ट हैंड पे डीलर देख रहे हैं आप शिफ्ट वाली बिल्डिंग, ओ भाई बाइकर निकला है, क्या चलाते हैं गाड़ी भाई, ये भाई ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग को बने हुए कम से कम 25 साल के आसपास हो गया भाई। ओ चंदा
मैं तुमसे प्यार कर लूंगा। देखिए भाई ये डीलर लेफ्ट हैंड पे है ये क्या, अब यहाँ पर अभी तो ये जवान होने वाला, बहुत रात तक लोग जगते रहेंगे यहाँ पे। अब बस अब बहुत हो गया भाई बकबक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।